तो दोस्तों सुबह के बज रहे हैं 7:30 और मैं नहा के कपड़े वपड़े पहन के ऑफिस के लिए तैयार हो रहा हूँ। मम्मी जी पीछे खाना बना रही हैं। एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है जब आपकी एक गवर्नमेंट जॉब घर के पास ही मिल जाती है, तो ना आपको खाने की टेंशन होती है और ना ही घर के साथ रहने का एक अलग ही सुकून होता है वैसे, और बहुत ही कम लोगों को ये सौभाग्य प्राप्त होता है। तो जैसे कि मैं रेडी हो रहा हूँ और ऑफ़िस के लिए निकलने के लिए तैयार हो रहा हूँ, और मम्मी जी भी हमारी बहुत मेहनत करती हैं हमारे लिए। दोस्तों आप वीडियो में साथ बने रहिए आगे। पहन रहा हूँ ये रेलवे का आई कार्ड है, और जब शुरू शुरू में जब हमारी नौकरी लगी थी तो इसका एक अलग ही क्रेज़ था। ऐसा लगता था कि हाँ हमने कुछ ऐसी चीज़ पहन रखी है जिससे कि रेस्पेक्ट मिलता है हमें, और इसका भी एक अलग ही क्रेज़ है। तो ये मैं आई कार्ड को पहन रहा हूँ। तैयार हूँ और अभी बज रहे हैं 1/2 घंटे में मैं घर से लगभग पहुँच जाऊँगा और आपको आगे दिखाता हूँ सब कुछ। तब तक के लिए मेरे साथ रहिए। ओके, अभी जो आपको देख रहे हैं जो मम्मी जी ने बनाए हैं आटे के गाय के लिए लोहा, हर थर्सडे को मैं गाय के लिए लोहा देता हूँ, तो मम्मी जी ने पहले से तैयार कर दिए हैं ड्यूटी, क्योंकि आज मेरी सुबह की ड्यूटी है। इसलिए अभी ये टिफ़िन भी रख दिया मम्मी जी ने, और मैं इसे गाड़ी के बैग में रख के और बोतल को रखूँगा और फिर गाड़ी से जाऊँगा। डली बाय, डली बाय बाय, नहीं मैं जा रहा हूँ, बाय 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 करो, बाय करो, क्या कहाँ जाएगी मेरे साथ? रोड से जाते हुए अभी एक लड़का मिल गया था जो पास में रहता है, उसने बोला कि मेरे को छोड़ दो, तो मैं उसे पीछे बिठा के छोड़ रहा हूँ। उसे आधे रास्ते तक जाना है और हम उस ऑफिस के लिए निकल रहे हैं, तो चलिए साथ में देखते चलिए मेरे ऑफिस तक, बनी रहिए मेरे साथ। आ गया आगरा फोर्ट, लेकिन हमें आगरा कैंट जाना है। ये आगरा फोर्ट आ गया और हमें आगरा कैंट जाना है, तो आगरा कैंट यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है, तो हम अब आगरा कैंट के लिए जा रहे हैं। मैं बाइक पे चल रहा हूँ अभी, अभी मैं आगरा कैंट पहुँच के आपको वीडियो दिखाऊंगा। दोस्तों हम आगरा कैंट पहुँच चुके हैं, जिसे आगरा छावनी बोलते हैं, और हमारी ड्यूटी यहीं पर है, लेकिन हमारी ड्यूटी इधर नहीं है, मेन स्टेशन है, लेकिन हमारी ड्यूटी यहाँ है कार्यालय मंडल रेल प्रबंधक आगरा, जो आपको दिख रहा होगा सामने।
इधर सब ऑफिशियल का वर्क होता है और इधर जो होता है वो रनिंग का वर्क होता है यहाँ पे सामने, जहाँ पैसेंजरों की भरमार रहती है हमेशा और रेल का अनाउंस होता रहता है हमेशा। तो यहाँ थोड़ा शांति कम है, बोल सकते हैं कि यहाँ शांति, जहाँ भी एम्प्लॉय वर्क करते हैं तो उनके लिए शांति यहाँ बहुत कम है। लेकिन यहाँ देखी जाए तो इधर की साइड में यहाँ शांति बहुत ज़्यादा है। अभी आपको दिखाता हूँ, हम इधर ही प्रवेश करेंगे। अभी तो तुमसे आया कर रहा हूँ, यहाँ पे सभी ऑफिस हैं, सबकी चाहे ड्राइवर की नौकरी है चाहे। हाँ सर नमस्कार, भाई क्या बात है आज तो भाई, आज तो कमाल कर दिया तुमने, गजब अलग ही लग रहे हो आज से लोगों में। भाई कहता हूँ आज तो एक झूठ गया कोई पड़ जाएगा, मैं मुझे छोड़ के। ओके क्या हो रहा है, क्या पेमेंट, व्हाट इज दिस पेमेंट, क्या हो रहा तो अभी हम अपनी सीट को ग्रहण कर चुके हैं, साथ में मिल रहा है, सैलरी कितनी मिल रही है ड्यूटी है बताओ, सही सैलरी कितनी मिल रही है, नहीं मिल रही है बताओ, हेलो हाय सैलरी बताओ कितनी मिल रही है, बिल्कुल नहीं मिल रही साहब, इनको सैलरी मिल रही है 55,000 से 60,000 प्लस। और देखो इनके काम दिखाता हूं, देखो ये क्या कर रहे हैं यहां खड़े हो के, और देखो कुछ काम ही इनकी सीट दे रही, इनकी सीट दे रही, अब बताओ रेल है, रेल घाटे में जा रही है, क्यों जा रही है आपको पता है, इसलिए जा रही है काम बिल्कुल नहीं, इसलिए कह रहा हूँ सरकारी नौकरी लगाओ आप, सरकारी नौकरी में काम नहीं है, काम वाम कुछ नहीं है, देखो सैलरी पूरी है फुल, क्यों जी टकाटक एक ये माहौल बैठे हैं इनका, देख लो आप क्या कर रहे हैं। ये था हमारा एक छोटा सा वीडियो, आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कमेंट्स करें और शेयर ज़रूर करें।